सियालकोट का मौसम हसीनो जमील, सूरज चाचू अपनी रोशनी नीचे लेके जा रहे हैं और गर्मी को जो है ना कम कर रहे हैं, और मौसम में जो है ना ठंडी हवाएं चल रही हैं इस टाइम सियालकोट में। सुबह टाइम तो बंदा ये देखे सीन कैसा है, सुबह टाइम तो बंदा जो है ना घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इतनी गर्मी होती है आजकल, और शाम को ये है कि थोड़ा मौसम चेंज होने लग जाता है, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, तो काफ़ी मज़ेदार मौसम होने लग गया है। तो सोचा मैं बट क्यों ना बाहर चलें, तो हम निकले हैं इस टाइम बाहर और काफ़ी देर हुई है सियालकोट पार्क का चक्कर नहीं लगा, तो मैं कहा चलो आज सियालकोट पार्क चलते हैं। इसी तरह आपकी पेशे हिम्मत आपका भाई भी अली और एक और व्लॉग के साथ, उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। आपका भाई जिंदाबाद जबरदस्त पूरे मजे माहौल में आज का व्लॉग लेके आपकी तरफ हाजिर हो चुका है। और भाइयों सबसे पहले एक ही बात, सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट और शेयर लाजमी करो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना बायो में, और जाके भाई को हेलो करो और उधर करते हैं गपशप। तो इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप सब सुनाएं आपका क्या हाल चल रहा है और गर्मी किस तरह आप जो है ना गुजार रहे हैं, क्योंकि इंजॉय तो हो नहीं सकती, गुजारी जा सकती है बस कि जल्दी जल्दी बस दिन गुजर जाए और रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए। तो अभी जो है निकले हैं हम घर से, तो आगे चलते हैं देखते हैं क्या बनता है। अभी तक तो मैं और बाटियाँ सिर्फ, और आगे देखते हैं हमारे साथ कौन अटैच होता है या हम दोनों नहीं गर्मी के मजे लेने हैं रात के, सुबह के नहीं, सुबह तो बस गुजारनी होती है क्योंकि मैं तकरीबन सोया हुआ था, सुबह 4 बजे सोया हूँ और दोपहर को 4 बजे उठा हूँ, उसके बाद जाके सबसे पहले हाथ छत करवाया, हाथ करवा के फिर नाश्ता किया 5 बजे, और फिर आ गया अपने व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप जब आए हैं तो बस मैंने कहा निकलते हैं बस जल्दी से। तो मौसम आप देख सकते हैं, ये देखिएगा सूरज साहब जो है ना अपनी किरणें कर रहे हैं ग्रुप, और मौसम बड़ा बेहतरीन होता जा रहा है, तो हम भी चलते हैं अपने मज़े में पूरे। तो हाँ जी ले हम पहुंच चुके हैं सियालकोट पार्क में, और पार्किंग शार्किंग देख के लग तो नहीं रहा कि अंदर इतना रश होगा, क्योंकि अभी शाम अभी शुरू हुई है और अभी रश आना शुरू होगा, क्योंकि सुबह सुबह तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे ख्याल से किसी का दिल नहीं करता उन आने को, इसलिए अभी स्टार्टिंग शुरू हो गई है, अब आवाम आएगी और हम भी अभी आ चुके हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। जी हम आ चुके हैं सियालकोट पार्क के अंदर, और गर्मियों की शाम कुछ इस तरह होती है यहाँ पर, और वो भी छुट्टी का दिन। तो भट साहब जी देर बताएं आप यहाँ पे 6 मिनट अंग्रेजी बोलना मुझे है? नहीं अंग्रेजी बोलो बोलो, आती है? नहीं भाई कितनी का आती है? कोई नहीं आती ना, तो बोली था भी नहीं। तो अभी देखते हैं और कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। हाँ एक चीज़ ज़रूर हुई है, यहाँ पे पानी सूख गया, गर्मी बड़ी है भट साहब क्या करें, फिर वो पानी इधर इतना कहाँ से लाएँ, वैसे डैमों में पानी खत्म हो गया हुआ, बिजली मिल नहीं रही, यहाँ पानी कहाँ से दें, शेव शुभ कराइए मुझे, अब मैं क्या सोच लें स्टाइल चेंज करते हैं, बड़ी मुझे रख ली है मैंने, कैसी लगी है मुझे बड़ी बट लाना अपनी बस करी जा रहा है, मैं जो पूछा उसका जवाब दे नहीं, नहीं इतना बीफ और आगे समझ जाएं आप जो भी मैं कहना चाहता हूँ, वो तुम्हें समझ रही नहीं, मुझे नहीं समझ, तुझे ही समझ, बड़े भाई गालियाँ देते, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो अभी तो फिलहाल इधर मैं सोच रहा हूँ बट वापस ही चलें, कहीं मज़ा नहीं आना, वापस किधर जाना देखते हैं, कहीं और सीन आते हैं क्या करना, क्योंकि इधर पता क्या सीन है, कोई बंदा घर होगा ना कैमरा पकड़ के लगा होगा ना, तो वहाँ ऐसे देखेगी पता नहीं क्या हो गया, और हर कोई देख यार हर कोई का ये मसला था, ये अपने व्हाट्सएप की थिंकिंग है, ये व्हाट्सएप अपने की थिंकिंग है, कहते हैं जो देख रहा है देखने दो, हम तो करना करके रहेंगे, आ गया क्या था जज्बा जुनून क्या हुए 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 बड़े बोल बोल गया बट, तो हम भी नहीं डरेंगे कब बट, आज तो कश्ती में झूला लेख दूँ, इतना कमाल का सीन बना हुआ है,
वो देखो पानी में आए हाय कितनी कमाल की लग रही है ना। तो मैं कहा तुझे आज झूला ले पानी उधर कश्ती के अंदर, तो कहता है मैं नहीं लेना। असल में बात पता क्या, ये पानी से डरता बड़ा। बट क्यों डरता तू पानी से? डरने की बात नहीं है, तू डरता है। नहीं डरता, तू नहीं मारा, तू डरता पानी से। हम हेड में नहाने जाते हैं ना, तो ये पता कब जाता है? जब हम वापस आने लगते हैं ना, तब इसे जाकर पाँव गीले करने हैं, टांग गीली करनी है और वापस बाहर। तो इतना पानी से डरता ना, लेकिन आज मैंने इसे जो है ना ले जाना जो है ना कश्ती के अंदर झूला लेने। उससे पहले कह रहा मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं कह चला पहले बूस्टर अपनी फेवरेट ड्रिंक ट्राई कराता हूँ और उसके बाद जो है ना फिर तुझे झूला दिलाता हूँ। ये आते ही मैसेजों पे लग गया, इसे और काम ही कोई नहीं है। नहीं यार चल झूठे चल झूठे यार यार, इसको स्ट्रीक भी ऐड कर लो, कोई स्ट्रीक पे भी जो है ना इसे ऐड करो और इसका स्ट्रीक ज्वाइन करो। हम भाई मसरूफ बंदे, इतना टाइम नहीं होता स्ट्रीक का। क्या काम होता तेरा अब पता ही नहीं? चेक कर लो। वैसे कुछ नहीं आता था इसे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी अपना नहीं पता कौन सा। हाँ ये भाई इसका अकाउंट है, इसको ऐड करो सारे जो है ना स्ट्रीक ज्वाइन करो इसके साथ। और मैं इतना वेला बंदा है ही नहीं, मुझे रहने दे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले बस। तो अभी और मौसम आपको दिखाते हैं, काफ़ी सुहाना हो चुका है। ये देखें, देख सकते हैं आप मौसम पूरा सेट हो गया। तो यही मौसम बड़े दिन से इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा और कब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हम वैसे तो बाहर कहीं जा नहीं थे रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अब जो है ना फिर बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया हमने संडे को, अब ऐसे ही हुआ करेगा। जी हाँ चेक कर बाटिंग जी, और झूला लेने वाले काम है देखने वाले ज़्यादा, झूला लेने वाले काम है देखने वाले ज़्यादा। ये देखिए माम खड़ी है देखने बस। बैठ बैठ के अब सोचा कि क्यों ना कोई झूला लिया जाए, हम भी कोई राइड लेते हैं। बट को पानी से डर लगता है, तो मैं सोचा बट को सीधा जो है ना पानी में उतार देंगे कश्ती पे बिठा के। तो गया टिकट्स लेने बट आता है, तो फिर इसको कश्ती पे बिठाते हैं और साथ में डराते हैं इसे, देखते हैं डरता कि नहीं डरता। मैं पूरी कोशिश करनी है कि पानी में गिर जाए, बाकी देखते हैं आता है तो इसका मैं बैठाता हूँ पानी के अंदर, सब्र करे पानी सॉरी कश्ती के अंदर पानी में नहीं। तो इसका वेट कर लेता तब तक जब तक टिकट्स लेके आता है और सीधा चलते हैं पानी के पास। ले आया हूँ मैं बाट के लिए, चलो अंदर चल, अंदर जाता नहीं अंदर तू, चल जा अभी। ये देखिए डर रहा है, मैं कह तो रहा डर रहा है, ये डर रहा है। आज बैठ जाएगा, ये लो आ जाओ बेटा। आ गया हूँ मैं तो भाई, और बट साहब को बिठा लिया अब वो गिरने लगा क्या कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल मुझे नहीं चलानी आ रही, बट से बरकर इस बारी भी कंटिन्यू करता हूँ। तो अपने बट साहब को कर करा के बिठा लिया अंदर इसके, अब बट साहब भी टांगे थक गई हैं ऊपर लेके गेम की भी लेके गेम की नहीं, इसलिए तो मसला हो रहा है, नहीं तो फील ही नहीं था होना। मसल इसके इधर से निकल के ना ये करके, मैं तो कह रहा था बट अंदर जाते रोएगा, लेकिन आज बट आराम से ही आ गया, क्योंकि मैंने कह दिया था ना पहले कि बट डर रहा है। तो अब जो है यहाँ से निकल के हमारा प्लान बन रहा है मॉल ऑफ सियालकोट जाने का, ठीक है डन है। शाम को वहीं पर बुला लें, मुझे नहीं लगता आज वो आएगा, वो कुछ घर के काम करवा रहा था तो कह रहा मैं थक गया हूँ। तो फिलहाल ये और मैं जुनेद पता नहीं कहाँ पर कॉल अटेंड कर रहा, तो फिलहाल मैं और ये सज्जन मेरा ही है बस, और हम तुम और ये जहाँ एक बात एक साथ। हाँ हाँ जी हाँ जी, थाई जवाब दे गई मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निकले बाहर है बस इतना ही बहुत है आज, बाकी मैं भी थक गया हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर, खाली पेट बेचारा भूखा सुबह से जेबे खाली है। हम रिसेंटली गए हुए थे इस्लामाबाद और बट की जेबी हो गई है फुल खाली, और बट अब रो रहा है कि मुझे कुछ खिला दो, मैं चल बाहर जा खाते हैं कुछ। तो फिलहाल अभी यहाँ से थोड़ी देर तक निकलते हैं बाहर। इस्लामाबाद में मजा बड़ा है, हाँ ये बात है कि इस्लामाबाद में मजा बहुत आया था, हमने बड़ा चिल किया हमने।
बाकी मजा आया उधर, जेबे हाली का रहे हैं हम सारे अपनी अपनी, लेकिन मजा आ गया, मजा आ गया। पैसे पूरे हो गए, तो अभी इधर से निकल के कुछ बाहर जा खाते हैं और उसके बाद चलते हैं माल आपसे आलकोट भी भैया अपने चश्के लेने। चश्के ये बाट साहब हैंडल स्टीयरिंग से मार रहे हैं, इसका स्टीयरिंग चेक करें कितना कमाल बढ़ गई, ये स्टीयरिंग है इसका। तो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, कहाँ निकलना हमने भाई और उनके ही बहनों, उनके हम कहते हैं बहन भाई अपने अपने। तो हम आ चुके हैं माल आपसे आलकोट, भुख शुक बहुत लगी है, अभी देखते हैं खाने का क्या सीन बनता है। और ये वैसी वैसी दरिंदा है, इसने तो अंदर ठूस ठूस के डालना है, तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी तो आए हैं खाते पीते हैं चिल करते हैं। काम साहब हमें हाथ करवा आ गए, नहीं आए आज फिर, क्या है कि मेरे हाल से थक ज़्यादा ही गया था घर के काम करवा करा के साथ में, और हम भी इधर बैठ बैठ के बस फिर बोर ही हुए हैं। और अब सोच रहे निकलते हैं घर की तरफ, जाकर रेस्ट करें, और जितना भी दिन गुजरा चले अच्छा ही गुजर गया आज, बाकी ज़्यादा बोरियत ही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।